हे व्यूअर्स, मैं फरहान आरिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 43 पर। आज हम लोग सीखेंगे कि एक सीधी रेखा और एंगल को दो बराबर भागों में कैसे विभाजित करते हैं। सीधी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करने की विधि, स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हम फॉलो करके सीधी रेखा को दो बराबर भागों में बांटेंगे। यहां हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है लाइन AB, जिसे हमें दो बराबर भागों में बांटना है। आइए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पॉइंट B को केंद्र मानकर एक चाप बनाएं जो लाइन AB की आधी लंबाई से ज्यादा का हो। त्रिज्या को समान रखते हुए और A को केंद्र मानकर इसको दोहराएं। ये दोनों चाप आपस में पॉइंट सी और पॉइंट डी पर मिलेंगे। अब पॉइंट सी और डी को सीधी रेखा से जोड़ें। ये लाइन CD AB लाइन को E पर काटेगी, जो कि लाइन AB का मध्य बिंदु है। लाइन AE और EB लाइन AB के आधे होंगे और कोण AEB 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करने की विधि, यहां हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है एंगल बीटा, जिसे हमें दो बराबर भागों में बांटना है। आइए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पॉइंट ए को केंद्र मानकर एक चाप बनाइए जो लाइन AB को पॉइंट X और BD को पॉइंट Y पर कटे। समान त्रिज्या को रखते हुए पॉइंट X और पॉइंट Y को केंद्र मानकर चाप बनाएं जो एक दूसरे को पॉइंट E पर कट करे। अब पॉइंट B और E को एक सीधी रेखा से जोड़ें। ये लाइन BE एंगल बीटा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी बीटा बाई टू और बीटा बाई टू। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 43। थैंक यू।